धन्यवाद माननीय। समय की मांग है और हर भारतवासी चाहता है कि हम अपने सुरक्षा के चक्र को और मजबूत करें और रक्षा से जुड़े संसाधनों का विकास करें और सशक्त करें। आप सब जानते हैं आज इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड को माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच हमारी माननीय रक्षा मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी भी मौजूद हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और अनुरोध करेंगे कि आज के इस सुअवसर पर अपने उद्गार से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश की प्रशंसित मुख्यमंत्री जी, केंद्र मंत्रिमंडल में यशस्वी मंत्री स्मृति ईरानी जी और मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री आईटी डिपार्टमेंट के और मंच में विराजमान बहुत सारे उत्तर प्रदेश के अधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए अमेठी के भाइयों बहनों, मेरा हृदयपूर्ण नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं सिर्फ आई हूं, सिर्फ इसीलिए पहली बार अमेठी में, इसीलिए कि प्रधानमंत्री जी के पूर्ण कोशिश के द्वारा हम रशिया सरकार के साथ एक समझौता करके इधर नजदीक में जो ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड है खोरवा में, उधर सरकार के समझौता के द्वारा पूरे दुनिया में फेमस और प्रशंसनीय ऐसे एक राइफल बनाने के लिए मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहती हूं, AK-47 के राइफल के बारे में पूरे दुनिया जानती है, मगर आज हम प्रधानमंत्री जी के कोशिश के द्वारा और सीधा रशिया में रशिया के राष्ट्रपति श्री पुतिन जी से बात करके एक ऐसे समझौता, इंटर गवर्नमेंटल का समझौता हुआ, जिसके कारण कोरवा में 20-30 साल से जो यूनिट है वो ऐसे ही पड़ा है, उसमें कुछ भी ऐसे कामकाज नहीं हो रही। स्मृति जी ने सही कहा, पार्लियामेंट में अमेठी के बारे में जिनको याद और चिंता होना चाहिए उनको ऐसे चिंता ना होते हुए उस कारखाना ऐसे ही पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी के कोशिश के द्वारा आज से दुनिया में बहुत मशहूर AK-47 नहीं मगर कलाश्निकोव कंपनी का AK-203 ऐसे एकदम मॉडर्न राइफल उधर बनाना चाहना अब से शुरू होगा। इसका पूर्ण प्रयत्न प्रधानमंत्री जी के पिछले एक साल से इतना प्रयत्न हुआ, आज उसका अच्छा शुरुआत हो रही है, अमेठी में हो रही है, जहां अमेठी उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के घोषणा के द्वारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का स्थापना भी हुई, ये आपको याद होगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस प्रोडक्शन कॉरिडोर के नाम से हम समझते हैं, उत्तर प्रदेश में जो कॉरिडोर है उसमें 6 ऐसे सिटीज हैं जिसके द्वारा डिफेंस का उत्पादन होगा। भारतीय सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करीब करीब 3 लाख करोड़ तक
लघु और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए ऑर्डर्स पिछले 2 साल में दे रखी हैं। लघु उद्योग इधर के आसपास में हो या यूपी कॉरिडोर में जहां भी हो, अलीगढ़ हो, झांसी हो, चित्रकूट हो, जहां भी उसका उत्पादन शुरू करना चाहते हैं, केंद्र सरकार भी और उत्तर प्रदेश के सरकार भी साथ मदद देंगे, जिससे लघु उद्यमी बहुत अच्छा आगे बढ़ पाएंगे। अगर डिफेंस प्रोडक्शन कॉरिडोर से पूरे उत्तर प्रदेश को फायदा होना वाले हैं, अमेठी उसमें से दूर है, फिर भी सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया ब्रांड कलाश्निकोव और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां अमेठी में करना जा रहे हैं हम। इसके द्वारा डिफेंस कॉरिडोर चाहे अमेठी तक नहीं पहुंचा, फिर भी इधर हम प्रोडक्शन केंद्र शुरू कर रहे हैं। इससे मैं मानती हूं 7 लाख तक राइफल इधर ही उत्पादन होगा। आर्मी में हर सेना की सोल्जर जवान के हाथ में जब राइफल होगा AK-203, वो अमेठी को याद करेगा। और इसमें एक और विशेष विषय जोड़ना चाह रही हूं मैं, ये AK-47 का सीरीज में अगले जेनरेशन AK-203 का उत्पादन अगर अमेठी में हो रही है, ये नहीं है कि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स है वो विदेश से आ रही है, बिल्कुल नहीं। 3 साल के अंदर 100% इस गन में, इस राइफल में, एक AK-203 में पूरे भारत में तैयार हुए कंपोनेंट्स ही होगा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पूरे के पूरे 3 साल में आ जाएगा, जिससे अमेठी के आसपास लघु उद्यमी जितना भी कंपोनेंट्स तैयार करेंगे वो सब इस AK-203 का तैयारी में चली जाएगा उस फैक्ट्री के अंदर। इसीलिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, उसके परिणाम पूरे आसपास के इलाके में जितने भी कंपनियां हैं, जो लघु उद्यमी हैं, उनको उससे प्रभाव आएगा। और हर जवान भारत के जब वो AK-203 हाथ में रखेंगे, उनमें अमेठी के कारोबार के हर पार्ट उसमें रहेगा। इससे अमेठी का भी गौरव है, उत्तर प्रदेश का भी गौरव है। सिर्फ कॉरिडोर नहीं, बड़ा ब्रांड आ रही है, ब्रांड दुनिया में कलाश्निकोव AK के सीरीज के ऊपर बात करने की आवश्यकता नहीं है, इतना मशहूर है वो। सीधा आज प्रधानमंत्री जी के पूरे कोशिश के वजह से इधर पहुंच रही है। मुझे मालूम है आप सब प्रधानमंत्री जी के बात सुनने के लिए तड़प रहे हैं, मैं उससे इससे ज्यादा नहीं बात करते हुए अमेठी को बधाई देता हूं। और आई एम श्योर अमेठी विल प्रोग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री योगी आदित्यनाथ जी एंड ऑल्सो अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। जय हिंद।